गाता है। About weekend plans. Today is Sunday, and the best thing you can do in Delhi right now is to come here at Shaheen Bagh and join their protest. Be a part of this beautiful protest. खुले या ना खुले बट ये ग्राफिटीज हमेशा यहाँ पे जिंदा रहे। तो तालिब भाई, यू कमिंग हियर एट शाहीन बाग वीकेंड, कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी रेवोल्यूशनाइज लग रहा है, और आई थिंक मैं अपने बचपन में सोचता था कि मैं 1947 में क्यों नहीं पैदा हुआ, तो नाउ आई फील ब्लेस्ड एंड यस वी कैन चेंज समथिंग। और यंगर जनरेशन में तुम लोग तो खैर आई थिंक कैन चेंज एंड शी कैन चेंज। मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ बट द ब्लड इज यंग, बिकॉज यहाँ पे शाहीन बाग में आए हुए हैं। Feet में मेरी भी दर्द है। बीन हियर बिफोर आल्सो, सो ब्यूटीफुल स्पेस, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम ऑल डिफरेंट कम्युनिटीज। रोज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रोटेस्ट होती है। वन इज नाराबाजी, अनदर इज पोइट्री रेसिटेशन। पोस्टर्स यहाँ पे बहुत खूबसूरत बना के लोगों ने लगाए हुए हैं। खाना मिल रहा है, जो भी यहाँ आ रहा है उसको दे वेलकम टू ईट एंड सेलिब्रेट बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, व्हिच इज नॉट अ रिलीजियस कम्युनिटी, इट इज अ कम्युनिटी ऑफ पीपल हु बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड देयर ऑल सपोर्टिंग इट। यहाँ पे हर जगह सब ने तिरंगे लगा रखे हैं, सब लहरा रहे हैं यहाँ पे। दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन द बैड एस्पेक्ट्स ऑफ what can happen if the government continues to work as it is working, because you see somebody's made a detention camp there. India ke jo iske upar un logon ke naam hai jo anti-NRC protest mein shaheed ho gaye hain, unke naam likhe hain logon ne. So that India gate which you're seeing just behind me, it's basically a symbolic of all the people who has lost their lives in this ongoing protest all over India. उन लोगों के नाम इस पे लिखे हुए हैं, let me show you. तरह तरह की क्रिएटिविटी से लोगों ने अपना रेजिस्टेंस यहाँ पे शो करने की कोशिश करी है, जो कि बहुत ही खूबसूरती से हर जगह शाहीन बाग में लगा हुआ है। द बेस्ट पार्ट इज शाहीन बाग इज नाउ बिकम अ स्पॉट टू कम हियर, डिस्कस अबाउट दीज इश्यूज, गैदर अराउंड विद फ्रेंड्स, कम ऑन द वीकेंड, ईट हियर, लिसन टू दीज स्लोगन्स, नारे लगाएं सबके साथ। दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट दिस प्लेस। Place has been turned into a museum of resistance. और ये नहीं है कि यहाँ पे coordination committee है कोई, या फिर लोग कोई body है जो govern कर रही है। कोई भी आ रहा है यहाँ पे अपने तरीके से protest कर रहा है, resistance दिखा रहा है, इस issue पे बोल रहा है, नारे लगा रहा है और चले जा रहा है। तो this is the most beautiful part about this whole Shaheen Bagh protest. Right now Shashi Tharoor is addressing the whole dharna at Shaheen Bagh. Thank you.
जो है भयंकर तरह की भीड़ है, निकलना इम्पॉसिबल, घुसना इम्पॉसिबल तरीके से, बस ज़्यादा ही हज़ार। What happened here at Shaheen Bagh this night will always be remembered. कि एक cause के लिए सब लोग मिलकर इतनी बड़ी तादाद में roads पर आए और उन्होंने अपने protest register करवाया. This is epic. तो हुआ ये इस वक्त के network सारे चले गए और हमारे साथ जितने लोग थे वो सब बिछड़ गए because networks are not coming. तो हम लोगों ने एक मीटिंग पॉइंट बनाया, वहीं पे मिलेंगे एंड दैट्स इट फॉर नाउ फ्रॉम हियर। वी आर राइट नाउ बैक स्टेज ऑफ शाहीन बाग प्रोटेस्ट और यहाँ पे स्पीचेस चलती रहती हैं और चलती रहेंगी अभी और काफ़ी लंबे टाइम तक। वी बी टेकिंग आवर लीव एंड वी बी गोइंग समवेयर एल्स। Right now we're going to watch Chhapaak because that's what's important. That's our way for showing support to Deepika because she deserves it. So we have watched the movie और अच्छा लगा देख के कि मूवी इतने इम्पॉर्टेंट और इतने सेंसिटिव इशू पे बनाई गई और इतनी अच्छी तरीके से बनाई गई। बट बुरा लगा ये देख के कि थिएटर्स में इतनी ऑडियंस थी नहीं जितनी होनी चाहिए। दिस मूवी इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवी विच एवरी इंडियन शुड वॉच। जिस तरीके से इसमें स्टोरी दिखाई गई है लक्ष्मी की एंड इट इज नीडेड टू बी सीन बाय एवरी इंडियन, इट इज नीडेड टू बी शेयर्ड एंड प्रोपगेटेड, द मैसेज हैज टू बी प्रोपगेटेड अमंग ऑल द पीपल ऑफ दिस नेशन। बट डिसअपॉइंटेड के किसी एक्ट्रेस के किसी जगह हो रहे इनजस्टिस को जाके कंडेम करना और उसके लिए स्टैंड लेने पे इतनी नेगेटिविटी फैला दी जाती है कि उसकी मूवी को देखने के लिए भी लोग उतने नहीं आते जितने पहले आते। आधे लोग डर से नहीं आते, आधे लोग अपने पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस की वजह से नहीं आते। दिस इज सैड, समवॉट वेरी नेगेटिव डाउन द लाइन हाउ दिस नेशन विल डेवलप, जस्ट सी हाउ इट गोज। बट या दिस मूवी नीड्स टू बी वॉच्ड, सो आई वॉच्ड इट। सो दैट वॉज इट फ्रॉम द व्लॉग। It has been a while since I posted it, around 3 weeks, which is bad. I'm sorry for that. Again, I'll be posting regularly. Weekly vlogs will be there. काफ़ी सारे vlogs हैं जो edit करके रखे हुए हैं but हालात कुछ ऐसे थे कि डाले नहीं जा सकते थे. So I'll be posting them now. So you'll be getting regular content and thanks for watching. Stay subscribed and जो लोग नए हैं वो subscribe करें, like करें and share this video with everybody. See you then.